ये है कार, खोलो से, खोलो खोलो, चलो बैठो अंदर, बैठो अंदर, अपनी सीट में चलो, अपनी सीट में चलो, हाँ चलो, वेरी गुड, अपनी सीट में चलो, आराम से, यस गुड बॉय। और ये रिया दीदी की बॉटल तुम्हारी, सीट बेल्ट लगाते रुक जाओ, हाँ एक सेकेंड, सीट बेल्ट से सेफ्टी रहेगी, हाथ करो, हाँ ये इधर भी आगे, दादू को बाय बाय कर दिया, चलो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, सबको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, उसको प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, यहां से नहीं, यहां से होता प्रणाम, ऐसे ऐसे करके, और सभी को फ्लाइंग किस कर दो आज मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग, आहा वेरी गुड बॉय। तो दोस्तों आज है संडे और संडे में हम जा रहे हैं वीर के नाना जी के घर, क्योंकि वीर के नाना जी ने इसे याद किया है कि संडे में यहां पर ले आना, इसे घर ले आना। तो संडे में हम निकलते हैं वीर के नाना जी के घर, क्योंकि वीर के नाना जी इसके साथ खेलना चाह रहे हैं, है ना, और मौची के घर जाएंगे, मौची कहाँ है, तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं फटाफट। जय शिव शंकर, जय शंभू, हर हर महादेव, जय केदार बाबा, हर हर महादेव। मौसम बदल चुका है, देहरादून में ठंड बढ़ती जा रही है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, अभी दिन में धूप है तो काफ़ी सही लग रहा है। अरे एक सेकेंड यार, अभी आपकी शीशा थोड़ा ऊपर कर दूँ, शीशा थोड़ा चढ़ा देता हूँ, अब शीशा ठीक है, अब हवा नहीं आ रही है, ठंडा नहीं लग रहा है आपको, अब ठंडा नहीं लगेगा, है ना, हाँ। वहाँ क्या करोगे, घूमी घूमी क्या करोगे, मौसी को परेशान, फिर मौसी कहेगी आप घर चले आओ अपने, हैं मौसी को परेशान करेगा ये, और उसके बाद मौसी कहेगी कि इसे घर ले जाओ भाई, इसके नाना कहेंगे कि घर ले जाओ वीर को, नाना कहेंगे घर ले जाओ वीर को, नाना कहेंगे घर ले आओ वीर को, ये तो परेशान कर रहा है हमें, नाना और मौसी को परेशान कर दोगे, नानी को परेशान कर दोगे तुम, हैं? समझ नहीं आ रहा है क्या करूंगा, मॉल का नाम पैसिफिक मॉल होने वाला है, ये पैसिफिक मॉल का बड़ा भाई बनने वाला है, मतलब पैसिफिक मॉल एक राजपुर रोड में भी है लेकिन उससे बड़ा बिग लेवल पे बनने वाला है ये मॉल, लेकिन इसका नाम कुछ और हो रहा है, अरे क्या दिखा रहा हूँ मैं, इंग्लिश वाइन ये है, इसका नाम कुछ हो रहा है मॉल ऑफ देहरादून, मॉल ऑफ देहरादून, बड़ा मॉल यार, व्हाट अ ब्यूटी, इतना बड़ा मॉल है भाई, लेकिन ये शायद ये है ना, ये मॉल शायद मुझे लग रहा है कि ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मॉल है, क्योंकि इससे बड़ा मॉल एक पेंटागन मॉल है, हरिद्वार में है वो बहुत ही खूबसूरत है भाई, ये भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बाहर से तो अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है भाई, करोड़ों का पैसा लगा है भैया इसमें, जिसने लगाया इन्वेस्ट किया है ना, तगड़े में भाई वो होगा भाई, कोई लंबड़दार टाइप का बंदा, लंबड़दार पैसे वाला होगा यार, पैसा पैसे से बनाता है, पैसा पैसे को बनाएगा और पैसे से ही आगे कुछ पैसा बनेगा क्या। ये देखिए कूल एकदम रोड, आजकल देहरादून की बहुत ही खूबसूरत हो गई है और मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है रोड को देख के, लेकिन तब दिल बहुत ही दुखता है, बहुत ही तकलीफ होती है मुझे, मेरे दिल को मुझे, कि जब इसमें यहाँ कोई कूड़ा कबाड़ फेंक देता है, गंदगी कर देता है, तो बहुत ही गंदा लगता है मुझे, और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और आप भी इस चीज़ को ना करें और अवेयरनेस लाएँ अपने में, कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकें, गाड़ी में चल रहे हैं, चाहे स्कूटी वाहन, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, और कूड़ा कचरा ऐसे बाहर ना फेंकें रोड में, तो अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, ये कि खुद गवर्नमेंट भी कितना करेगी यार, कहाँ कहाँ नगर निगम झाड़ू सफाई करती रहेगी,
लेकिन पब्लिक को भी खुद अवेयर होना चाहिए कि हाईवे में एटलीस्ट की ये गंदगी ना करें, और घर में ही कर रहे हैं तो उसे भी चलो वो डस्टबिन से निकाल के तो नगर निगम कर दे रही है क्लीन, लेकिन बाहर मत करें एटलीस्ट यार, बाहर तो सफाई रखें, सफाई अभियान अपने और से ही अपने आप से ही रखें। देखो पहले हम खुद क्लीन होंगे उसके बाद फिर सब कुछ आगे देखो होता जाएगा, फिर लोग भी आगे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नो बेबी नो, नो बेबी नो। कहाँ पहुँच गए, कहाँ आ गए हम, नाना जी के घर। चलो रुको, दिस इज जर्मन शेफर्ड। देखो कौन आ गया है, डुगु कौन है, वीर आ गया, वीर गुड डॉग, गुड डॉग। हाँ अब वहाँ कहाँ जाना है, उस गाड़ी में जाना है। नहीं अब नहीं, चलो चलो ऊपर चलो, घर चलो अब। हाँ चलो नाना जी के पास चलो, देखो दी आ जाओ, दी आ जाओ। अरे तुम्हारी कॉलोनी से तो यार वो चली थी यात्रा एक, जय श्री राम वाली, श्री राम जी की यात्रा चल रही थी। कलश यात्रा, अच्छा कथा है, कथा खूब चल रही थी भाई, जोशो जुनून के साथ है। जय श्री राम बोलेगा। चलो नाना जी के पास चलो, चलो 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 चलो, गुड बॉय, खोलो खोलो खोलो, हाँ खोलो। अच्छा टाइट हो गया। नाना जी की कहाँ है चिप्स, चिप्स चिप्स। प्रणाम किया नाना जी को, प्रणाम कर दो नाना जी को, प्रणाम कर दो नाना जी को, प्रणाम कर दो नाना जी को। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो नाना जी, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। नहीं नहीं चलो दीदी क्या चलते हैं, आओ बुआ क्या चलते हैं, बुआ क्या घूमी जाएंगे, घूमी आओ बुआ क्या चलते हैं, बुआ क्या चलेंगे, बुआ क्या। अरे सोए भी नहीं अभी तक हैं, अभी तक ये घर में होता तो दो बार सोया था, अभी ये सोया होता भी, ये इसका ना दूसरा टाइम का सोने का टाइम था इसका भाई। लेकिन इसका पता नहीं क्या हो रहा है, मन इसका भाई सोना है नहीं है, इसने खोलना है। बोल भाई, भाई बोलो, भाई बोलो भाई। अब हम जा रहे हैं घर, और यहाँ पर घर जाते वक्त जैसे मैं कार चला रहा था तो रास्ते में वीर को ऐसी नींद आई, बिल्कुल नींद सो रहा, बिल्कुल गर्दन इधर हो रहा, इधर लेफ्ट राइट तोड़ रहा बिल्कुल। मैं कह रहा इसे बड़ा संभालते हुए लाया अभी, फिर मैंने गाड़ी रोकी, तब इसके बाद मैंने इसकी अब सीट ना इसे वैसे कर दी, पूरी लेटा दी ज़्यादातर, थोड़ी पूरी तो नहीं लेटाई, कम लेटाई, लेकिन यहाँ पर ही आराम से सोने को है, लेटा हुआ है, अभी तो नहीं सो रहा। पहले जब इसे पूरी सीट ऊपर कर रही थी वैसे बैठने की सिटिंग पोजिशन में, तो उस टाइम तो बहुत सो रहा था, लेकिन अब ये नहीं सो रहा है, अब घर जाके सोएगा, बहुत नींद आ रही है क्योंकि ये सोया नहीं ना ये। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं घर अपने वीर, चलो पहुँच गए घर, अब उठो अब बैठो, इस सीट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फोल्ड करते हैं, यहाँ बैठो अब, घर चलते हैं, निन्नू निन्नू करते हैं, ठीक है घर चलते हैं, घर में सोना, ओके टी। अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाएंगे ना तब चलाना, ओके। सो गाइस इस व्लॉग को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय 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 बाय, टाटा कर दे, टाटा टाटा टाटा, गुड बाय।